दोस्तों Redmi 5A के यूजर्स के लिए Xiaomi की तरफ से MIUI 10.1.2.0 के स्टेबल अपडेट के साथ Android Oreo का एक बड़ा अपडेट रोल आउट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ये अपडेट सभी यूजर्स को देखने को नहीं मिला है। तो गाइस अभी जो आपका Android Oreo का वेट था वो यहाँ पर ओवर होने वाला है, क्योंकि आपको जल्दी एक नया अपडेट देखने को मिलेगा और ये होगा एक न्यू सीरीज का अपडेट 10.2 की सीरीज। और ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। 10.2.3.0 का ये अपडेट रहने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे इस अपडेट के बारे में, कब तक ये अपडेट सभी यूजर्स को देखने को मिल जाएगा और कौन से फीचर्स आपको इस अपडेट में मिलेंगे, तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक आप पूरा जरूर से देखते रहिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मंजीत, स्वागत करता हूं एमडी टॉक यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले Redmi 5A के लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। दोस्तों Redmi 5A के यूजर्स के लिए Android Oreo का अपडेट रोल आउट किया गया था 14 दिसंबर के आसपास MIUI 10.1.2.0 के स्टेबल अपडेट के साथ, और भी लगभग उस अपडेट को रोल आउट हुए यहाँ पर एक महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स को Android Oreo अपडेट देखने को नहीं मिला है। और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी कमेंट्स देखे वीडियो के नीचे कि आखिरकार Android Oreo का अपडेट कब मिलेगा 5A को एंड Redmi 5 को। तो गाइस जो आपका Android Oreo का वेट था वो यहाँ पर ओवर होने वाला है, और पिछले अपडेट से अलग आपको एक न्यू सीरीज का अपडेट देखने को मिलेगा जो कि होगी 10.2 की सीरीज। और ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस अपडेट में आपको Oreo अपडेट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो गाइस फीचर्स के बारे में वीडियो के आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस अपडेट को भी चाइना में रोल आउट कर दिया गया है। 10.2.3.0 इस अपडेट का वर्जन है, OCKCNXMCN यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है चाइना को। 1.4 GB इस अपडेट का साइज है। अगर आप चेंज लॉग की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज में लिखा हुआ है और साथ में एंड्रॉयड ओ लिखा हुआ है, मतलब एंड्रॉयड ओरियो MIUI 10 यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर कैमरा वगैरह के कुछ इंप्रूवमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। गाइज अगर बात करी जाए कि ये अपडेट आपको इंडिया में Redmi 5A के सभी यूजर्स के लिए कब तक रोल आउट किया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप एंड्रॉयड नोगेट के अपडेट पे हो भी या फिर आप ओरियो के अपडेट पे हो, तो डायरेक्ट आपको अभी यही अपडेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 10.2 सीरीज का। और ये अपडेट आपको इंडिया में जल्दी रोल आउट किया जाएगा 2 वीक्स के बाद, यानी फरवरी की स्टार्टिंग में ये अपडेट आपका रोल आउट कर दिया जाएगा। तो पहले कुछ सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स को टेस्टिंग के रूप में रोल आउट किया जाएगा अपडेट, और फिर आपको 7 से 8 दिन वेट करने के बाद सभी यूजर्स को ये अपडेट धीरे धीरे करके रोल आउट कर दिया जाएगा। गाइस जैसे ही अपडेट रोल आउट होगा तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और इसकी डाउनलोड लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए। गाइज ये अपडेट आपको फरवरी की स्टार्टिंग में कुछ यूजर्स को मिल जाएगा एंड मिड फरवरी तक सभी यूजर्स को रोल आउट हो जाएगा। तो मिड फरवरी तक आप वेट कर लीजिए, ये अपडेट आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। गाइज अगर मैं बात करूँ इस अपडेट के फीचर्स के बारे में, तो इस अपडेट में आपको जिनको Oreo अपडेट अभी तक नहीं मिला, तो पहली बात तो उन्हें Oreo अपडेट मिल जाएगा, जिनको Oreo अपडेट मिल चुका है तो उन्हें भी काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले फीचर की बात करूँ तो आपको मिलेगा जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये अपडेट यहाँ पर Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro और भी कुछ डिवाइसेस में रोल आउट कर दिया गया इंडिया में, तो ये सेम आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर बैटरी के चेंज कलर में भी चेंजेस कुछ देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस इस अपडेट के साथ आपको एंड्रॉयड का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल भी देखने को मिलेगा, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो रिसेंट एप्स है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया जाएगा, ऊपर आपको 4 शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। गाइस अगर मैं नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करूँ तो आपको अबाउट फोन में मिलेगा फॉलो अस का ऑप्शन, वहाँ पर Xiaomi ने डाला है अपने इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर वगैरह का, वहाँ पर कुछ हैंडल्स डाले, अगर आप फॉलो करना चाहे तो उन्हें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चेंज के बारे में, तो इस अपडेट में जो आपकी ऐप की ओपनिंग स्पीड है उसके एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट कर दी गई है, और साथ ही साथ जो आपकी गैलरी एप्लीकेशन है उसमें कुछ चेंजेस ऐड किए गए हैं। गाइस जैसे ही आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके रखोगे तो क्रिएटिविटी का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप कोलाज वगैरह बना सकते हैं काफ़ी सारी इमेजेस को एक साथ कंबाइन करके।
और भी कुछ यहाँ पर एडिटिंग के फीचर ऐड कर दिए गए हैं, यानी एडिटिंग के कमाल के फीचर्स ऐड देखने को मिलेंगे इस अपडेट के बाद आपको गैलरी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर, साथ ही साथ उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो आप इन्हें भी यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए इन्हें यहाँ पर डिसेबल करके रखा है, तो जैसे आपको अपडेट मिलेगा इसके पूरे डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यार इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक टारगेट ओनली 400 लाइक्स का, तो आपको ये लाइक टारगेट पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। और गाइस अगर मैं बात करूँ सबसे बढ़िया फीचर की, तो आपको मिलेगा हिडन ऐप्स का फीचर। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो तो ये फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सेटिंग्स में आज ये ऐप लॉक नीचे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए। यहाँ पर ऊपर आपको सेटिंग पे आना है, नीचे आपको मिलेगा हिडन ऐप का फीचर, तो उसे आप अनेबल करके रखिए। मैनेज हिडन ऐप्स पर एंटर कर लीजिए, किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड कर सकते हो, ओके कर दीजिए। और कहीं भी खाली जगह पर आ जाइए, होम स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच आउट कर दीजिए, आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है। सिंपली आपकी जो हिडन ऐप है वो यहाँ पर ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं बिना किसी को पता लगाए। तो गाइज अगर आप चाहते हो किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना, तो यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं, मैनेज हिडन ऐप्स पे जाके इसे वापस से अनहाइड भी कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर ऐड किए गए इस अपडेट के साथ। बाकी जब भी अपडेट इंडिया में रोल आउट होगा तो उसकी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर से आप रख लीजिए। जो भी गाइज आपके डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, और साथ ही साथ जो भी आपके क्वेश्चन है क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज का वीडियो देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।